रजत जयंती का जो पूरा का पूरा श्रेय हमारे विद्यालय के प्रबंधक सर जी का है, क्योंकि अगर हम कह सकते कि प्रबंधक नहीं संस्थापक, वो हमारे विद्यालय के संस्थापक है जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की, जिसके कारण आज हम सब यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी विद्यालय की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इतना बड़ा शुभ अवसर उन्होंने हमें दिया और सबसे बड़ी बात इस क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, जो अथक प्रयास किया है, उस वो बहुत सराहनीय है। और इस क्षेत्र के अभिभावक हमेशा उनको श्रेय देते हैं कि हमारी बच्चियां जो हम भेज रहे हैं पढ़ने के लिए यहाँ, क्यों बालिका विद्यालय की वजह से भेज रहे हैं, और जो बच्चियों को पढ़ाई में आगे बढ़ रही है और उनमें जो शिक्षा की अलग जग रही है वो हमारे माननीय प्रबंधक जी के द्वारा ही है। और हम लोग, हमारा पूरा विद्यालय परिवार उनका सम्मान करना चाहता है, पर उनके सम्मान करना हम लोग बहुत छोटे हैं। उनका सम्मान हम जितना भी करें वो कम है, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे उनकी अपेक्षाएं, उनका सम्मान। तो हमारा विद्यालय परिवार उनको सम्मान करना चाहता है, हमारे विद्यालय के स्तंभ हमारे प्रबंधक सर जी, उनको हम अशोक स्तंभ से सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे विद्यालय के स्तंभ हैं और वो स्तंभ के बिना हम सब अधूरे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको अपने प्रबंधक जन से सर जी को क्या किस चीज से सम्मानित करें, क्योंकि हमारे पास उनको सम्मान के देने के लिए ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो सम्मान से बहुत आगे हैं। तो हम लोग बहुत सोचे, हमारा स्टाफ ने सोचा, तो हमारे दिमाग में आया कि अशोक स्तंभ से अच्छा कुछ उपहार हो नहीं सकता उनके लिए। फिर इसके लिए मैंने सुमन सर जी से सजेशन लिया कि क्या सर ये सही रहेगा, उन्होंने हमारे सुझाव को समर्थन किया और साथ ही एक सुझाव और दिया। उन्होंने हमारे क्षेत्र में जहाँ पर एक भी बालिका विद्यालय नहीं थी, उनके लिए बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया।